जी टीवी के सीरियल भाग्यलक्ष्मी में आयुष और शालू को विक्रांत की सच्चाई पता चल गई है कि उसकी जिंदगी में ऑलरेडी एक लड़की है। ऐसे में वो जासूसी करते हुए पहुंच गए हैं उस घर में जिस घर में विक्रांत का पहला प्यार रहता है, और उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए आयुष और शालू ने ऋषि को भी बुला लिया है। इसीलिए देखिए कैसे छानबीन करने के लिए ऋषि, आयुष और शालू उस घर की तलाशी ले रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भी लड़की दिखाई नहीं पड़ती। तभी ऋषि विक्रांत के वहाँ होने पर सवाल पूछता है, लेकिन विक्रांत बातों को घुमा देता है, जिस पर ऋषि को यकीन हो जाता है और आयुष और शालू की जासूसी धरी की धरी रह जाती है। अब देखना होगा कि विक्रांत का सच कैसे आयुष और शालू मिलकर ऋषि और लक्ष्मी के सामने लाएंगे। पहले ज्वेलरी स्टोर में हमारे थोड़े से सिली रोमांटिक कॉमेडी सीन्स आए, बट और अभी तो बहुत ही कमाल के सीन्स आ रहे हैं। ये तो जासूसी करने वाला तो काम ऐसे में बहुत पसंद है। हम नारियल पानी पीने रोकते हैं तो हम हमारे ड्राइवर जो हम ऑटो रिक्शा चला रहे हैं उनको भी रोकते हैं। हम चाय पीने रोकते हैं तो हम उनको भी रुकवाते हैं चाय पीने। बहुत अच्छे सीक्वेंस है, बहुत मस्ती कर रहे हैं। अरे पुलम बहुत अच्छा सीक्वेंस है। और सबसे बड़ी बात की ना, मेरे को ऐसा लगता है ना कि इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ द सीक्वेंस वेयर यू गेट टू मूव द स्टोरी ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तो मेजर ट्विस्ट हो रहा है शो के लिए, लाइक सुपर मेजर ट्विस्ट है शो के लिए। जहाँ अभी तक विक्रांत को जितना शरीफ और जितना सीधा दिखाया गया था, वो तो जलेबी जैसा सीधा निकला। वो जंतर मंतर निकला, या जंतर मंतर नहीं यार, बड़ा कुछ और याद आया था, बट वो शरीफ निकला, शरीफ नहीं है वो लड़का, वो कुछ और निकला। अब वो कुछ और जो जब ये बाहर आ जाएगी ना, जब सबको पता चल जाएगा विक्रांत की असलियत, बिकॉज डे वन से मैं लगा हूँ मुझे इंसान अच्छा नहीं लगता। ये तो अपने उस पे है कि दीदी की शादी नहीं होनी चाहिए, मैं गट फील पे हूँ कि ये लड़का अच्छा है, लड़का अच्छा है, लड़का अच्छा है, कुछ गड़बड़ है। अब जब ये फाइनली बाहर आएगा ना, तो मैंने और लक्ष्मी डिसाइड करा कि मैं सबको देख के क्या बोलूंगा। मैं बताऊँ क्या बोलूँ, आई टोल्ड यू, सबके सामने जाया क्या, आई टोल्ड यू। मैंने बोलना शुरू कर दिया, मैंने इसको बोला सीन में, आई टोल्ड यू। ये बोलती मुझे लॉजिक नहीं पता, मुझे लड़का अच्छा नहीं लगता। हाँ, मैं बोलती हूँ हाँ वैसे तो तुम सही बोल रहे थे, ठीक है इतना भाव मत खाओ। इसी घर पे डिलीवर हुआ। हम मंगलसूत्र को और इस घर का एड्रेस को चेस करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, पर दिक्कत ही आई है। तो अब दिक्कत ये आई है कि जब हम पहुंचे हैं तो वो लड़की नहीं है जिस लड़की को हम देखना चाहते हैं। अभी हमें नहीं पता वो लड़की कौन है। डोंट रिवील मैन, प्लीज काट देना इसको। सोनिया बोल रही थी, सोनिया मेरी बहन। कंफ्यूज हो रही है। तो जो भी है, विक्रांत दरवाजा खोलते और जहाँ मैंने की होल से देखता हूँ कि उसके साथ एक लड़की भी चलती हुई आ रही है, और उसी लड़की को देखना पूरा मकसद है यहाँ तक पहुँचने का। तो लड़की का भी कंधा दिखाया जा रहा है, पैर दिखाए जा रहे हैं, थोड़े बाल दिखाए जा रहे हैं, रिवील नहीं कर रहे हैं कौन सी लड़की है, हम नहीं बताएंगे, बिकॉज वो लिखा गया है सीन्स में कि वो शायद वो बहुत आगे जाके रिवील होगा, इसलिए केयरफुल। कोई डाउट नहीं है अभी, बस हमें इतना पता है नहीं बोलना है। इसको भी कहाँ पता, सीक्वेंस में भी कहाँ पता है इसको कौन है वो। तो अभी जब की होल से मैं देखता हूँ कि वो लड़का, ये अपना विक्रांत किसी लड़की के साथ चलते हुए आ रहा, तो मैं होपफुल होता हूँ, और ऋषि हमारे साथ ही है, और अचानक से विक्रांत दरवाज़ा खोलता है, तो मैं कहता हूँ चल कोई बात नहीं, एटलीस्ट इतना कन्फर्म हो गया ये है यहाँ पर। तो अब हम इसी सीन में, अब हम ढूंढ रहे हैं पूरे घर में कि वो लड़की कहाँ गई, वो लड़की नहीं मिलेगी, वो गुप्त रास्ते से गुप्त हो गई है। मैं कर देता हूँ अगर आप बोलते हो तो। आयुष इज अलाउड टू डू एनीथिंग, सॉन्ग है, इट्स अ सॉन्ग, वो लड़की है। अब बताओ, देखो बहुत मासूम लड़की है, तो कोई एक्सपोजर नहीं हुआ दुनिया में, भाग्यलक्ष्मी ने इसको पूरी जिंदगी कलर्स दिखा दिए इसको। मैं तो 21 साल की हूँ, तुम कितने साल के हो? मैं 21 से 21 दिन बड़ा। झूठ बोलते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।